जो हमारे शरीर के लिए, पहला तो हो गया ऊर्जा देने वाला, दूसरा है शरीर की वृद्धि, प्रोटीन, दूसरा क्या है, शरीर की वृद्धि करने वाला तत्व कौन सा है, पहले उसका नाम तो बताओ, प्रोटीन। प्रोटीन में जो भी पदार्थ होते हैं वो, जैसे आप अभी बड़े हो रहे हैं, अगले साल आपको ये यूनिफॉर्म छोटी हो जाएगी, क्यों छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप लंबे हो जाओगे, तो आपको लंबा कौन कर रहा है, प्रोटीन। अगर हम लोग प्रोटीन का खाना खाएंगे, जिस खाने में प्रोटीन होती है उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। प्रोटीन हमें किस किस भोजन में मिलता है, ये किसी ने देखा है, एक मिनट, सारे लोग दाल चावल खाते हैं, सबको दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, अच्छा दाल में क्या है और चावल में, इसीलिए तो मिलाकर खाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया और प्रोटीन भी मिल गया, शक्ति भी मिल गई और बड़े भी हो गए। अगर कोई बच्चा केवल दाल खाता है तो क्या होगा, बड़ा तो हो जाएगा लेकिन शक्ति तो चाहिए, इसीलिए हम लोग अगर रोटी और दाल भी खाते हैं और चावल और दाल भी खाते हैं, जितनी भी दालें होती हैं, चाहे वो चना हो, मूंग हो, कोई भी, जो राजमा हो, लोबिया हो, जितनी दालें, उन सब में बहुत प्रोटीन होता है। और सोयाबीन नाम सुना है, न्यूट्री, जिसको न्यूट्रेला कहते हैं हम लोग, सोयाबीन के जो आते हैं उसमें सबसे उतना प्रोटीन होता है जितना कि मांस में होता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है, अगर वो मांस खाता है और आप अगर सोयाबीन खाते हो तो सोयाबीन उतनी ही ताकत देता है जितना कि मांस देता है। और अंडे में, दूध में, इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होते हैं। आपने सब घर में एक छोटे बच्चे को देखा है, दो या तीन महीने वाले बच्चे को देखा है सबने, अच्छा जब वो छह महीने का हो जाता है तो क्या वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, हो जाता है ना, कपड़े भी छोटे हो जाते हैं, तो उसने तो ये कुछ खाया नहीं, फिर कैसे बड़ा है? दूध, इसका मतलब दूध में सब कुछ है, उसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो हाथ पांव चलाता है, रोता है, वो रोता है ना, तो मतलब शक्ति चाहिए रोने के लिए, हाथ पांव चलाता है उसके लिए शक्ति चाहिए, उसका शरीर बढ़ रहा है उसके लिए प्रोटीन चाहिए, तो दूध पीने से उसको सब कुछ मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है। तो पहले हम देखें, मांस, दूध, मछली, सोयाबीन, और एक वेजिटेरियंस के लिए दालें, जितनी भी दालें हैं सब में बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए हमको डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें हमारे डाइट में पूरे 24 घंटे का जो हम लोग खाना खाते हैं, मतलब दिन का और रात का और बीच में जो नाश्ता खाते हैं, उसमें दाल की कोई ना कोई चीज जरूर होनी चाहिए, तभी हमको प्रोटीन मिलेगा, हम लोगों के बाल बड़े होंगे, नाखून बड़े होंगे और हम लोगों की हाइट भी बड़ी होगी। हाँ, वो छोटे बच्चों को दाल का पानी दिया जाता है। इसके बाद जो आता है, वृद्धि करने के बाद हमारे शरीर को, अभी आजकल कौन, आज कौन बच्चा एब्सेंट है, सुन, वो क्यों नहीं आए हैं, वो उन बच्चों को बुखार है, वो बच्चे क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि उन बच्चों को बुखार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी
कौन सा भोजन करने से हमारी तबीयत ठीक रह सकती है या हमें रोगों से सुरक्षा मिल सकती है। तो रोगों से बचाने वाले पदार्थ कौन से पदार्थ? क्या नाम है उसका? यहाँ देखो, खनिज लवण व विटामिन। क्या नाम है? ये नाम कभी सुना है विटामिन? ये जब हम लोगों के शरीर में विटामिन और खनिज लवणों की कमी हो जाती है तो हम लोग बहुत सारे रोगों से घिर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और फिर क्या होता है, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। जो बच्चे आज नहीं आए हैं इसका मतलब वो बीमार हैं। और बीमार क्यों हुए? क्योंकि उनके शरीर में विटामिन और खनिज लवण की कमी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इस वजह से बीमार हुए, लेकिन हो सकता है कि उनके शरीर में विटामिन और खनिज लवण कम होंगे। जब विटामिन और खनिज लवण कम होते हैं तो हम लोग रोगों से लड़ नहीं सकते। अब आप ये प्लेट देखिए सब लोग, इसमें बहुत कुछ दिख रहा है। ये क्या है? गुआवा या अमरूद? लेडी फिंगर, पालक, तुरई, फली, फली ग्वार की फली कहते हैं, और ये लोबिया की फली। ये फलीदार हैं, ये फल हैं, ये टमाटर है, ये ब्रिंजल बैंगन है, ये एप्पल है। अच्छा ये बताओ, हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई, परवल भूल गए। हाँ परवल किसका प्रिय भोजन है? परवल अच्छा लगता है आप लोग को? परवल देखिए, परवल कितना सुंदर लग रहा है, परवल है ना। ये सारी चीजें अगर हम खाएंगे, अच्छा रोज एक एप्पल खाएंगे, एक गुआवा जो सीजन का फ्रूट है, अगर रोज एप्पल नहीं खा सकते तो हम गुआवा खा लेंगे, अमरूद खा लेंगे, और सब्जी में क्या पड़ता है? टमाटर। अच्छा रोज हम लोग जो दाल बनाते हैं उसके साथ सब्जी भी तो बनाते हैं, सब्जी भी बनती है, कभी भिंडी बनती है, कभी फली बनती है, कभी पालक बनती है। तो ये सारी चीजें जो पत्तेदार सब्जी होती है, जो फल होते हैं, और जो ये वाली जो सब्जियां होती हैं तुरई जैसे, इन सब में बहुत बहुत और खनिज लवण होते हैं, इसलिए हमें इन चीजों को भी जरूर खाना चाहिए। अगर हम लोग केवल अचार और रोटी खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी, और जब विटामिन की कमी हो जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, इसमें हमने क्या क्या देखा? विटामिन एवं खनिज लवण में पालक, अगर मैं सब्जियों के नाम लिखने लगूंगी ना तो पूरी सब्जी मंडी यहाँ लग जाएगी, इसीलिए मैं लिखूंगी हरी सब्जियां, समझ गए? अब वो तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन हम इतने नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग केवल बताएंगे हरी सब्जियां खाने से हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। और जो भी फल हम खाते हैं, चाहे कोई भी फल हो, चाहे खीरा हो, चाहे अमरूद हो, चाहे संतरा हो, सब में विटामिन और खनिज लवण होता है। पालक, पपीता, हरी सब्जियां, फल आदि में, अच्छा किसी किसी में हमें मांसाहारी लोग जो मछली खाते हैं उनमें भी कई खनिज लवण और विटामिन होते हैं। जब हमारे शरीर में किसी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स लोग कहते हैं ना कि मछली का तेल लीजिए या मछली खाइए, अंडा खाइए,
तो उसमें भी विटामिन और खनिज लवण होते हैं। और फल, अगर हम इन चीजों को खाते रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब इतनी सारी चीजें हो गई, एक चीज हम हमारी छूट गई, हाँ वसा। ये देखिए क्या है ये, देखिए जब आप खाना बनाते हो, दाल चढ़ाते हो, तो दाल को पहले क्या करते हो, धोते हैं, फिर एक मिनट दीप्ति खड़े हो, हाँ फिर क्या करती हो, पानी डालती, फिर और फिर हल्दी मिर्च अदरक, फिर उबालती हो, छौंक कब लगाती हो, आंटी जब पक जाता है, पूरी पक जाती है तो छौंक लगाते हैं, तो जब छौंक लगाते हैं तो क्या चाहिए, जीरा तेल चाहिए सबसे पहले, नहीं नहीं जिसमें छौंक, वो तो तेल चाहिए ना, घी या तेल या देसी घी, मक्खन, तेल, मतलब एक चीज चिकनी चाहिए तभी आप उसमें छौंक लगा सकते हैं, तो वो जरूरी है। तो वही वसा कहलाता है, जो चिकना पदार्थ होता है वो वसा कहलाता है। अच्छा क्या हम लोग दाल तो एक किलो बनाते हैं या एक पाव बनाते हैं और उसमें कितना घी डालते हैं, एक मिनट, हाँ दो चम्मच, तो दो चम्मच एक पाव तो नहीं होता है ना, देखो भगोना भर के दाल का बना है और एक करछी आपने घी डाला, तो इसका मतलब कौन सी चीज ज्यादा है, दाल ज्यादा है और घी तो बहुत थोड़ा सा पड़ा। तो वसा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है लेकिन कम मात्रा में, अगर ज्यादा खा लेंगे ना मोटे हो जाएंगे, ये जो अपने यहाँ पे जमा हो जाता है ये वसा होती है। तो कभी भी हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि एक किलो दाल चढ़ाई तो एक किलो घी डाल दिया, ऐसे नहीं करते हैं। घी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जितनी भी चिकनी चीजें हैं, अब हम आपको बताएंगे चिकनी चीजों के नाम, आप ही लोग बताना मुझे किस किस, एक 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 बच्चा, सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा वसा होती है, मक्खन, एक और बताओ, हाँ नारियल और बादाम, नारियल बादाम काजू, इन सब में बहुत ज्यादा वसा होता है, ये चिकने होते हैं बहुत ज्यादा, दूध में भी होती है, मलाई तो दूध में से ही निकली है ना बेटा, इन सब में बहुत बहुत वसा होती है। अब हम इसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितनी मात्रा में हमें क्या खाना चाहिए।